हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो रिचुअल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डेटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ फंक्शंस की एंड कंडीशंस की। दोस्तों, आज हम अप्लाई करेंगे कुछ बेसिक कंडीशंस कि अगर डेटा फ्रेम पे इस तरीके की कंडीशंस अप्लाई हो तो डेटा फ्रेम कैसे कैसे आंसर्स देंगे, एंड उन कंडीशंस को कौन कौन सा पर्टिकुलर डेटा अगर यू नो लाइक सेटिस्फाई करता है तो क्या आंसर्स होने वाले, क्या वो बुलियन टाइप की वैल्यूज होंगी, ट्रू फॉल्स वगैरह वैल्यूज, या रिकॉर्ड्स पूरे डिस्प्ले होने वाले हैं। तो पूरा चीज आज हम देखने वाले हैं, कंडीशंस वाला सेक्शन एज वेल एज कुछ फंक्शंस वाला सेक्शन। ठीक है, एक बार फटाफट से पहले मैं नोट्स में से गो थ्रू करा देता हूं सारे बच्चों को जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सारे स्टूडेंट्स को पता है ये सारी बेसिक चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये सबसे पहले बेसिक सेक्शन पायथन के पेंडास के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सेकेंडली, वी हैव टॉक्ड अबाउट पायथन डेटा फ्रेम सेक्शन, जिसमें हमने सीरीज वगैरह का यूज करके डेटा फ्रेम का क्रिएशन कैसे होता है, ये तो पहले ये जस्ट एक जनरल इंट्रो था। ये क्या चीज है गाइस, ये सबसे बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि आप किस तरीके से एक डेटा फ्रेम बनाएंगे या क्या चीज होती है हमारा एक डेटा फ्रेम। फिर इसके क्रिएशन की टेक्निक सारी की सारी ये दी हुई, क्रिएट करने के जितने डिफरेंट मेथड है, 2D डिक्शनरीज के थ्रू, एन डायमेंशनल एरेज के थ्रू, सीरीज के थ्रू, या किसी दूसरे डेटा फ्रेम के थ्रू, ये सब हमने अप्लाई किया हुआ है। पूरा सिंटेक्स हमने फॉलो करके हमने ये सब चीजों का क्रिएशन खत्म कर रखा है हमारे कुछ यू नो प्रीवियस वीडियोस के अंदर। मूविंग अहेड विद, these are some of the few examples that how we are going to particularly create a data frame by using 2D dictionaries, numpy arrays, two dimensional arrays, we can say. ठीक है, वी कैन से डिक्शनरी यूजिंग सीरीज, डिक्शनरी के अंदर क्या चीज का होना, सीरीज का होना, इस सीरीज को क्रिएट कर करके हमने डिक्शनरीज बनाई टू डायमेंशनल और उसका यूज करके हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करा। तो ये चीजें भी हमने हमारे कुछ लास्ट एग्जांपल्स में चेकआउट कर लिया। ठीक है, दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्यू एग्जांपल्स आफ्टर क्रिएटिंग लाइक वन ऑफ एक डेटा फ्रेम का यूज करा। पहले हमने सबसे पहले एक सिंपल डेटा फ्रेम बनाया जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसका यूज करके कोई अनदर डेटा फ्रेम ने यहां पर क्रिएट करा। तो ये सारी चीजें लास्ट मतलब प्रीवियस वीडियोस के अंदर या लास्ट वीक के अंदर हम लोग कवर अप कर चुके हैं हमारा। साथ साथ में एट्रीब्यूट्स पिछले 2 से 3 दिन के अंदर, अगर मैं बोलूं लास्ट 3 डेज के अंदर हमने इन एट्रीब्यूट्स पर पूरा वर्क किया, यानी कि एक एक पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल एट्रीब्यूट को अप्लाई करना, इंडेक्स, कॉलम, एक्सेस, डेटा टाइप, साइजेस, शेप, वैल्यूज, एम्प्टी, एन डायमेंशन मतलब अगर डेटा फ्रेम की बात होगी, सब जनों को पता है डेटा फ्रेम 2D होता है, तो एनडीम का आंसर क्या आने वाला है, हमेशा 2 आंसर आने वाला है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांसपोज, ये सारे हमने कवर अप करे। ठीक है, लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग डायरेक्ट नहीं बताई गाइस, मैंने आप लोगों को इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को डायरेक्ट ना सिखाकर मैंने आपको सारी चीज लगानी सिखाई। सारी चीज लगाना मतलब एक पर्टिकुलर न्यू कॉलम कैसे ऐड होगा, ठीक है, कॉलम एडिशन इन डेटा फ्रेम, रो एडिशन इन डेटा फ्रेम, ये हमने हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर सीखा है। ठीक है, वी हैव अप्लाइड LOC, वी हैव अप्लाइड ILOC yesterday, वी हैव अप्लाइड at, we have applied IAT, ये सारी चीजें जो यहां पर है। ठीक है, even though update, अगर आपको किसी particular values को update करना है तो we can update that particular value by using LOC or by simply applying the column names। तो ये सारी चीजें हमने हमारी last classes के अंदर cover up कर रखी है, these all basic things। even though we have applied all the vectorized operation techniques, हमने सारी चीजें देखी है कि अगर आपको कोई भी vectorized operation भी apply करना है तो वो
भी यहां पे कॉलम्स के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। तो आज मैं कुछ बेसिक चीज बताने वाला हूं, एक तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस के ऊपर कुछ चीजें हम लोग चेक करते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के ऊपर, एंड वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द कंडीशंस। हम कंडीशंस चेक करते हैं कि कंडीशंस कैसे इंपोज होंगी, आंसर्स ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आएंगे या किस तरीके से अप्लाई होंगे, ठीक है। ये पूरा सेक्शन भी हमारा हो चुका है, एलओसी आई एलओसी ऑल द थिंग्स वी हैव डन, ये हमारा आई एलओसी सेक्शन पूरा हो चुका है, वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर सेक्शन आल्सो, राइट। ये हमारा एट वगैरह, एट एट्रीब्यूट, आईएटी एट्रीब्यूट डन, पूरा कंप्लीट बिल्कुल यहां पे, ठीक है। एक्सेसिंग और मॉडिफाइंग वैल्यूज हमारा पूरा हो चुका है कि हमने अगर किसी पर्टिकुलर न्यू कॉलम हमें क्रिएट करना है तो उसकी वैल्यूज कैसे बनेंगी, पुराने जो कॉलम्स हैं उनको हम कैसे रिन्यू करेंगे या नई वैल्यूज कैसे असाइन करेंगे, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। ये सारा सेक्शन हमारा हो चुका है। इवन इन द लास्ट वीडियो वी हैव अप्लाइड डिलीटिंग, यानी कि जो हमारा डेल कीवर्ड है वो भी हमने यहां पर ट्राई किया है कि डेल कीवर्ड का यूज करके हम पूरा कंप्लीट एक कॉलम कैसे रिमूव करेंगे, एंड ड्रॉप भी हम यहां पे यूज कर चुके हैं, ड्रॉप फंक्शन भी हम यहां पे यूज कर चुके हैं, बट ड्रॉप विल नॉट अलाउ स्लाइसेस, ड्रॉप में स्लाइसेस अलाउ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सारे लोग ध्यान से सुनना, ड्रॉप सेक्शन के अंदर अभी तक हमने स्लाइसिंग अप्लाई नहीं करी हुई है, राइट। अब फंक्शंस रह गए हमारे, अगर मैं इन इन ऑल अगर मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूं तो हमारा पूरा फंक्शंस वाला सेक्शन बाकी है, लाइक रीनेम वगैरह ये सब अब देखेंगे और कंडीशन देखेंगे। पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग ऑल, सो सॉरी मैं एक्चुअली पढ़ाने में ध्यान दे रहा था, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिद्धेश्वर बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल, सो सॉरी। हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम एवरीवन, मोस्ट वेलकम एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत। सॉरी सिद्धेश्वर, मैंने ध्यान नहीं दिया था तेरे हाय हेलो पर, मैं बिल्कुल सॉरी, मैं देख नहीं पाया, आई एम सो सॉरी। और थोड़ा सा लेट भी था आज, एक्चुअली मैम ने खुद को एक गिफ्ट दिया है, मैम का नया गिफ्ट आ चुका है, सो मैम वाज वेरी एक्साइटेड विद द पार्ट, मैम उसको पूरा एक्सप्लोर करने में चलाने में थोड़ी सी बिजी थी। और आज थोड़ा सा अजमेर का मौसम आप अच्छा कह सकते हो कि अच्छा मौसम है, बारिश ज्यादा तो नहीं हुई बट हां थोड़ी बहुत बारिश भी यहां पे हुई है, तो काफी अच्छा प्लीजेंट माहौल है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे लगा कि यार लाइट ना चली जाए। मैं वैसे तो स्ट्रीम कैंसिल करने की सोच रहा था, लेकिन लेकिन ऑनेस्टली बोलूं मैंने कैंसिल नहीं किया। मैम का नया गिफ्ट भरत, बिल्कुल 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 जल्दी बिल्कुल बताएंगे जी। सर जी मौज, सिल्वर बटन आया है क्या? नहीं नहीं सिद्धेश्वर, सिल्वर बटन नहीं आया, सिल्वर बटन से बड़ी चीज आई है। मैं सोच रहा हूं कि विल गो फॉर अ वीडियो, या तो आज 10 बजे या नहीं तो आज नहीं तो अगर मैम आज अलाउ नहीं करती है तो कल पक्का श्योर मैं एक पर्टिकुलर नया वीडियो बनाने वाला हूं इसके ऊपर, एंड डेफिनेटली फॉर श्योर मैं और मैम जरूर शो करेंगे वीडियो के अंदर कि क्या नया गिफ्ट मैम ने अपने लिए लिया है, डेफिनेटली फॉर श्योर। मैम अभी थोड़ा सा उधर बिजी होंगी, मुझे उम्मीद है कि वो सुन भी नहीं रही होंगी मुझे भी, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा बिजी है आज का दिन, तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ही मैं पक्का आपको श्योरली बताता हूं कि नया गिफ्ट क्या है, मैम कितनी एक्साइटेड है उसको लेकर, एंड सारी चीजें डेफिनेटली फॉर श्योर हम मैम से जरूर बात करेंगे इस चीज के ऊपर, ठीक है। एक बार अभी थोड़ा सा क्या मैम बिजी हैं, आ जाए तो मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो के अंदर ही उसको लेकर जाऊंगा और एक सेपरेट वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। बिल्कुल भरत, तेरे को बताया, बस अभी चुप रही हो, सस्पेंस बना रहने दो। पक्का श्योर या तो आज रात को 10 बजे, वैसे आज नहीं क्योंकि अभी मेरी पूरी प्रिपरेशन नहीं है, मैंने पूरा सो कॉल्ड ना थंबनेल ना कुछ भी मैंने डिजाइन नहीं करा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल पक्का डन। जो मैम का न्यू गिफ्ट है कल पूरा फुल ऑन प्रमोशन भी करेंगे मस्त तरीके से, और कल ये चीज दिखाएंगे भी, पक्का दिखाएंगे स्ट्रीम के ऊपर, डेफिनेटली फॉर श्योर, ठीक है। चलो आज पढ़ाई की बात करते हैं, आज हम हमारे टॉपिक पे आ गए, क्या कहते हैं, आ जाते हैं फटाफट से, जल्दी से लाइक ठोक देना, 10 की वॉचिंग है, जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो जल्दी से। प्रवीण बिल्कुल बिल्कुल, देख कल पता चलेगा तुम लोगों को कि क्या गिफ्ट है अकॉर्डिंगली। एक भरत को तो जरूर पता है, लेकिन भरत को मैं कहूंगा कि अपना मुंह ना खोले, बिल्कुल बंद रखे, अच्छा आदमी है, तो हम बिल्कुल कल पक्का श्योर इसका पूरा मैं हिसाब किताब सारी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है जी। चलो अब छोटा सा सेक्शन देखते हैं गाइस, सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं हम लोग हमारे, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल मैं और मैम दोनों ही लाइव आएंगे जब, तो लाइव पर ही शो करूंगा कि क्या चीज है, कैसी है, और बढ़िया अकॉर्डिंगली मस्त तरीके से, ठीक है। चलिए आज का सेक्शन हमारा, अब मैं कंडीशंस देखना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंडीशंस आपको अप्लाई करके भी बताना चाहता हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज कंडीशंस। ये कंडीशंस पक्का
पक्का है आपके पेपर में आनी और इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। डेफिनेटली फॉर श्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेइंग दिस कि जो हम अभी अप्लाई करेंगे ना बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएंगे। मैं भी दिखा भी सकता हूं, मैं अभी आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे हैं लास्ट ईयर के पेपर्स जो हमारे हैं उन सब में मैं आपको दिखा सकता हूं कि कम से कम 8 से 9 मार्क्स तक में इस तरीके के क्वेश्चन दिए मैं सारे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। देखो सारे लोग पबजी अपडेट आया गॉडजिला और कॉन्ग वाला वेदू कल कर भी लिया और खेल भी लिया, तू थोड़ा लेट हो गया बेटा क्या कहते हैं बताने में, थैंक यू सो मच, लेकिन अपडेट हो गया एंड खेल भी लिया यार। देखो सारे बच्चे जल्दी से इंपोर्ट पेंडास एज पीडी हमने अप्लाई किया यहां पे, नेक्स्ट अप्लाई करते हैं इंपोर्ट नंपाय एज एनपी। क्या मैंने कुछ गलत लिखा क्या? पेंडास एज पीडी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सारी चीज बिल्कुल परफेक्ट चल रही है जी। अब देखो जल्दी से सारे के सारे बच्चे फटाफट से डिक्शनरी का यूज, D1 अप्लाई करा और D1 अप्लाई करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिद्धेश्वर मस्त चीज है, लेकिन लाइट्स गॉन बेटा जी, गई 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। लैग नहीं है बेटा, मेरे यहां तो लाइट्स ही गई, मेरे एरिया में तो पूरा लाइट्स गॉन, एकदम भूत वाला फील आ रहा है आपको सामने, आप देख सकते हो बिजली चली गई, पावर कट जिस चीज का मुझे डर था, बिल्कुल मैं वही चीज कह रहा हूं जिस चीज का मुझे डर था आपके सामने आपको दिख रहा है। मैं मेरे फोन का नेट यूज करके चला रहा हूं एंड मोस्ट प्रोबेबली खत्म करते हैं, कल ही मिलेंगे सारी नई स्ट्रीम के साथ में और नए सेक्शन के साथ में, कल ही शुरू करते हैं। चांद की रोशनी आ गई है बिल्कुल एकदम, गोस्ट बिल्कुल बेटा गोस्ट आप देख सकते हैं, शक्ल देख रहे हो आज मेरी 3D स्ट्रक्चर के अंदर एकदम मस्त चमकती हुई सी आ रही है। ठीक है, आई डू एग्री मैं लाइट्स वाइट्स यूज कर सकता हूं बट ठीक है, इट्स ओके, ज्यादा बेटर है, एंड करते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, क्योंकि लाइट्स का कोई अंदाजा नहीं कब आने वाली है और नेट भी इतनी देर नहीं चलेगा क्योंकि स्ट्रीम लैग करेगी नेट के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल पक्का श्योर क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और कल बाकी चीजों को अपन लोग आगे लेके चलेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय जी, टेक केयर, गुड नाइट all of you, enjoy karna, take care guys, thank you so much, bye bye।